Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 3, the Turkish invasions. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. But part 1 mein hum log yahan tak pad chuke hain. Checkpoint ke liye banega ek separate video. To ab hum start karenge hamare part 2 ko. ठीक है, पार्ट टू हम स्टार्ट करेंगे इन्वेजन्स ऑफ मोहम्मद गौरी से. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भाई मोहम्मद गौरी कौन थे. तो मोहम्मद गौरी बिलोंग करते थे गौरिद डायनेस्टी से. बेटा किस डायनेस्टी के थे ये? तो गौरिद डायनेस्टी के थे. ये किस रीजन पे रूल करते थे? तो ये गौर रीजन पे रूल करते थे. जो गौर रीजन है वो करंट डे में कहाँ होगा? तो आज का जो सेंट्रल अफगानिस्तान है, वहाँ पर हुआ करता था गौर रीजन, जिसके रूलर थे मोहम्मद गौरी. फिर से याद रखना, सेंट्रल अफगानिस्तान, आज का जहाँ अफगानिस्तान है उसका जो सेंट्रल पार्ट है, उस वहाँ पर हुआ करता था गौर रीजन, वहाँ पर रूल करते थे मोहम्मद गौरी. मोहम्मद गौरी को हम दो अलग अलग नामों से भी जानते हैं. देखो, मोहम्मद गौरी से तो हम जान ही रहे. मोहम्मद गौरी के अलावा इनका एक नाम है मोहम्मद अफगार और दूसरा है मोइजुद्दीन बिन सा. इन्होंने इंडिया को इन्वेट किया, पर एक क्लियर सोच के साथ, एक क्लियर उद्देश्य के साथ, एक ऑब्जेक्टिव बना के, एक एम बना के कि भैया मैं इंडिया को इन्वेड सिर्फ लूट पाट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया पे अटैक लूट पाट करने के लिए ही नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कि मेरा एक क्लियर कट एम है कि मैं इंडिया में अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करूँगा. ठीक है, उसको मानना था कि मेरे अटैक के पीछे जो रीज़न है वो लूटपाट नहीं है. ठीक है, मैं जाऊंगा इंडिया में, अटैक करूंगा और वहां पर अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करूंगा. ये क्लियर सोच थी. ठीक है, वो सिर्फ लूटपाट करने इंडिया नहीं आया था. जो नेचर था इन्वेजन का वो डिफरेंट था. किससे? महमूद ऑफ गजनी से. महमूद ऑफ गजनी से लूटपाट करने आते थे, प्लंडर करने आते थे इंडिया को, इंडिया में को इन्वेड करते थे, इंडिया पे अटैक करते थे फॉर द पर्पस ऑफ प्लंडरिंग इंडिया. पर मोइजुद्दीन बिन सम या मोहम्मद अफ गौर या मोहम्मद गौरी का पहले ही मानना था भैया मैं सिर्फ लूटने के पर्पज से नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने एम्पायर को वहाँ पर एस्टेब्लिश करूँगा. ही वॉज द वन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया. यही वो व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोहम्मद गौरी. इन्होंने ही इंडिया में फाउंडेशन रखा. किसका? मुस्लिम डोमिनेशन का. क्लियर है, ही वॉज द वन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया. चलो, नाउ यू नो सेक्शन में अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो हम पढ़ लेते हैं. तो बेटा, जो हमारे मोहम्मद गौरी थे, गौर के जो रूलर थे, उन्होंने कैप्चर किया किसको? गजनी को. कब? 1173 CE में. और एक ही मोटिव था कि वो बदला लेना चाहते थे. किसकी डेथ का? अपने एंसेस्टर, उनके जो पूर्वज थे जिनका नाम था मोहम्मद इब्न सूरी, उनकी मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने गजनी पे अटैक किया. और मोहम्मद इब्न सूरी की जो डेथ थी वो किसके हाथों में हुई थी बेटा? महमूद ऑफ गजनी. फिर से ध्यान से सुना, मोहम्मद गौरी ने कैप्चर कर लिया गजनी को कब? 1173 में. किस मोटिव के साथ, किस उद्देश्य के साथ? कि भैया मुझे मेरे एंसेस्टर, मेरे पूर्वजों की डेथ का बदला लेना है. वो कौन से पूर्वज थे बेटा? मोहम्मद इब्न सूरी. ठीक है, और ये जो मोहम्मद इब्न सूरी थे, इनको मारा था किसने बेटा? महमूद ऑफ गजनी ने. He used Ghazni at the launching pad for expansion into northern India. और हमारे क्या बोलना चाहिए, मोहम्मद गौरी ने लॉन्चिंग पैड की तरह यूज़ किया गजनी का. किस पर अटैक करने के लिए? कहाँ एक्सपांशन करने के लिए? नदर्न इंडिया में एक्सपांशन करने के लिए. गौरी पहुँचा पेशावर. कब पहुँचा? 1179 CE में. वहाँ पर उसने अटैक किया और पेशावर को अपने कंट्रोल में ले लिया. तो गौरी के पास पेशावर आया 1179 में. सेकेंड, पंजाब को उस टाइम खुसरो मलिक रूल कर रहे थे, जो कि गजनी डायनेस्टी के ही थे. गौरी ने उन्हें मार दिया. गजनी डायनेस्टी से तो गौरी की बहुत बड़ी दुश्मनी थी, क्योंकि गौरी के एंसेस्टर्स को मारा गजनियों ने था, है ना. तो उन्होंने खुसरो मलिक, जो गजनी डायनेस्टी के थे, उन्हें मार दिया 1192 में. और पंजाबी अब इनके हाथों में आ गया. पहले पेशावर आया, फिर पंजाब आया. पेशावर आया 1179 में, पंजाब आया 1192 में. गौरी ने फिर चैलेंज किया राजपूत किंगडम्स को.
फाइव राजपूत किंगडम्स ऑफ राठौर्स, चौहान्स, सोलंकीस, चंदेल्स, परमार्स, ये पांच लोग। गौरी देन चैलेंज द राजपूत किंगडम्स। पांच राजपूत किंगडम उस टाइम की कौन कौन थी? राठौर कन्नौज के, चौहान दिल्ली के और अजमेर के, सोलंकी गुजरात के, परमार मालवा के और चंदेलास बुंदेलखंड के। ये लोग मजबूती से खड़े रहे किसके रास्ते में? मोहम्मद गौरी के रास्ते में कि भाई इंडिया जितना इतना आसान तो नहीं है। पर ये जो राजपूत थे ये यूनिफाइड नहीं थे, ठीक है, और इनका यूनिफाइड ना होना किसके काम आ गया? गौरी के काम आ गया, और गौरी कामयाबी से इंडिया के अंदर एंटर कर गया। नहीं तो ये पांच किंगडम्स कभी भी, पांच राजपूत राजा कभी भी गौरी को अंदर नहीं आने देते, इतने तो ये एबल थे। पर बेटा क्योंकि ये यूनाइटेड नहीं थे, इस वजह से गौरी ने इनकी डिसिप्लिनिटी का फ़ायदा उठाया और इंडिया में एंटर किया। नाउ बैटल्स विथ पृथ्वीराज चौहान। गौरी को स्टिफ रेजिस्टेंस मिला यूनाइटेड राजपूत किंगडम से, जिनको लीड कौन कर रहे थे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज रूल करते थे टेरिटरी पे, वो टेरिटरी दिल्ली और आगरा के बीच में थी, ठीक है। तो गौरी को एक स्टिफ, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिला यूनाइटेड राजपूत किंगडम से, जिनको लीड कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज के टेरिटरी पे रूल करते थे बेटा दिल्ली से आगरा के बीच वाली जो टेरिटरी थी उन पे, ठीक है। तो बेटा पृथ्वीराज चौहान ने हॉल्ट लगाया। हॉल्ट लगाने का मतलब क्या होता है? रोक देना, विराम दे देना, जो भी चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही थी उन्हें वहीं रोक देना। तो पृथ्वीराज चौहान जो बहुत ही बढ़िया, खुद भी मिलिट्री पर्सनल थे, सारे राजपूत किंगडम से इन्होंने डिप्लोमेटिक अलायंस बनाए और गौरी के एक्सपांशन को अप टू सम एक्सटेंट रोक दिया। द स्टोरी ऑफ गौरी बैटल विथ राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान बीन डिस्क्राइब्ड इन पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में बहुत अच्छे से लिखा गया है कि कैसे राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में बैटल हुआ, ठीक है। और ये जो पृथ्वीराज रासो है इसको लिखने वाले थे चौहान कोर्ट पोएट चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले कौन थे बेटा? चंद्रवरदाई, ठीक है, जो कि कोर्ट पोएट थे किसके? पृथ्वीराज चौहान के। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था वो 1191 में हुआ, 1191 CE में हुआ, ठीक है। इस बैटल में गौरी हारा और उसे वापस भाग के जाना पड़ा, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ किस किस के बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और हार हुई गौरी की, और गौरी भागकर अपनी कंट्री चला गया। कब हुआ ये बेटा? 1191 में। फिर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की अगर हम बात करें तो गौरी अपनी इनिशियल डिफीट के बाद वापस गया, उसने आर्मी को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन किया, ठीक है, आर्मी को थोड़ा सा और मजबूत बनाया। फिर ये लेके आया बड़े ही माइटियर आर्मी, मतलब बहुत बड़ी, बहुत ही सशक्त आर्मी लेके आया, जिसमें टर्किश लोग भी थे, अफगान सोल्जर भी थे, और बेटा अफगानियों का तो लड़ने में कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। यू आर टिल डेट, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो इतने सालों अफगानिस्तान में रहने के बाद भी वो अफगानिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ही चैलेंज पृथ्वीराज चौहान अगेन इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। इन्होंने किसने भैया? गौरी ने फिर से चैलेंज किया पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में 1192 में, एक साल बाद ही वापस आ गया था। इस टाइम जो पृथ्वीराज थे उनके पास एडिकेट राजपूत फोर्सेस नहीं थी जो उनको बैकिंग दे रही हो, ठीक है। तो जो आर्मी थी मोहम्मद गौरी के, उसने पूरी तरीके से नष्ट किया किसको? पृथ्वीराज की आर्मी को, गौरी की आर्मी ने। एक क्लीन स्वीप मिली किसको? हमारे पृथ्वीराज चौहान को। ये जो वर्ड राउट है इसका मतलब होता है हरा देना, ठीक है। तो जो आर्मी थी मोहम्मद गौरी की उसने हरा दिया राजपूत आर्मी को। दिस वॉज द एंड ऑफ माइटी राजपूत रूलर, और यहाँ पर माइटी राजपूत रूलर्स का एंड होता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। और यहाँ से रास्ता खुल जाता है टर्किश रूल के लिए, ठीक है। तो टर्किश रूल को इंडिया में एस्टेब्लिश करने वाले कौन थे? मोहम्मद गौरी, ठीक है। बेटा अब हम पढ़ेंगे एक एपिसोड किसका? पृथ्वीराज रासो का, जो लिखी है किसने? चंद्रबरदाई ने। तो बेटा जब पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी इतने दुष्ट होते हैं कि उनकी दोनों आंखों को फोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों आंखों को हॉट आयरन रॉड से वो उनकी आंखों को ख़त्म कर देते हैं,
अंधा बना देते हैं। चंद्रप्रदाई जब गौरी के कोर्ट में आते हैं इन डिसगाइज, भेष बदल कर, तो जब एक आर्चरी कंपटीशन हो रहा होता है तो गौरी पृथ्वीराज से कहते हैं कि भाई तुम तुम्हारे स्किल्स दिखाओ, हमने सुना है तुम आँखों पे पट्टी बांध कर भी शूट कर लेते थे, सुनकर तुम लोग निशाना लगा सकते हो, शूट कर सकते हो, तो अपनी थोड़ी सी जो कला है वो हमें भी दिखाओ, है ना, तुम सुन के टारगेट को हिट कर सकते हो, दिखाओ हमें भी। इस मोमेंट पे चंद्रप्रदाई ने पृथ्वीराज चौहान को एक पूरा ओरल इंडिकेशन दिया, पूरी तरीके से इशारों इशारों में पोएम के थ्रू बता दिया कि कहाँ पर गौरी बैठे हुए हैं। वो कपलेट था 4 बांस 24 गज अंगल अष्ट प्रमाण। देखो 4 बांस की दूरी पर, बांस आपको पता है ना बैम्बू, 4 बम्बू की दूरी पर 24 गज ऊपर, उसके ऊपर भी 8 उंगलियों की ऊँचाई पर सुल्तान बैठे हैं। इतने पाए हैं सुल्तान, अब मत चूको हे चौहान, चौहान तुम्हारे पास में तीर और कमान तो है ही, अब मत चूको। मैं बिल्कुल सटीक बता रहा हूँ तुम्हें कि पहले तो 4 बांस की जितनी दूरी होती है उतनी दूरी पर हैं, 24 गज की ऊंचाई पर है, 24 गज की ऊंचाई पे भी अंगुल अष्ट प्रमाण, 8 उंगली और रख लो, इतनी ऊंचाई पे सुल्तान बैठे हुए, अब तुम्हें चूकना नहीं है, इसको मार ही देना है। देखो फिर से, 10 मेजर्स अहेड ऑफ यू 24 फीट अवे सीटेड सुल्तान। इस तरीके से उसने पूरा इंडिकेशन दे दिया कि भाई सुल्तान कहाँ बैठे हैं, फिर कहा कि बिल्कुल मिस नहीं करना। फिर गौरी ने जैसे बेटा पृथ्वीराज टर्न हुए और उन्होंने उस डायरेक्शन में तीर चलाया जिसमें गौरी बैठे हुए थे, जहाँ से गौरी की आवाज़ आई और गौरी को तीर मारा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन कैसे रखा गया। आफ्टर हिज विक्ट्री, मोहम्मद गौरी की जब जीत हुई तो मोहम्मद गौरी ने गोला, जो कि बेटे थे पृथ्वीराज के, उन्हें पपेट किंग बना के छोड़ा इंडिया का। फिर उन्होंने उनके सबसे ट्रस्टेड स्लेव, सबसे जो विश्वास पात्र उनका गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी देके कहा कि अब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन तुम देखो भाई, मैं वापस से सेंट्रल एशिया जाता हूँ, अपने घर को देखता हूँ। पर वो वापस से रिटर्न आए 1204 CE में। पर बेटा 1206 में अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है और फर्दर एक्सपांशन वो इंडिया में कर नहीं पाते हैं। ऐबक इस अपॉर्चुनिटी का अच्छा फ़ायदा उठाता कि भैया मास्टर मर गए, अब जो भी कुछ है वो मेरा ही है, और दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन रख देते हैं। बेटा अगर इन जनरल हम बात करें तो इस फेज में जो गौरियंस थे वो सशक्त थे, वो चाहते तो अपनी हेजेमनी को एक कंसिडरेबल डिग्री तक लेके जा सकते थे, मैक्सिमम पार्ट को कंट्रोल कर सकते थे नदर इंडिया में, पर ऐसा वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, वो हमेशा एक सेकी ग्राउंड पर ही रहे। उन्होंने कंसिलाइडेशन की कभी कोशिश नहीं की, लोगों के लिए कोई अच्छी पॉलिसीज प्लानिंग नहीं की कि लोग उनके साथ एसोसिएटेड फील कर पाते, मतलब कंसिलाइडेशन नहीं कर पाए। एक एरिया को जीतते तुरंत ही वो एरिया उनके हाथों से, उनके कंट्रोल से छूट जाता। सेवरल डिकेड्स लगे इन्हें अपने एम्पायर को रीएस्टेब्लिश करने में, इनके रूल को रीएस्टेब्लिश करने में। अब हम देख लेते हैं चेक पॉइंट। तो बेटा पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रवरदाई ने लिखी है। किसने लिखी है? चंद्रवरदाई। एक बार देख लो किसने लिखी है बेटा, चंद्रवरदाई ने लिखी है। ठीक है, चंद्रवरदाई ने कौन सी लिखी है? पृथ्वीराज रासो। फिर बेटा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड बोल रहा है कि भाई मुस्लिम डोमिनेशन का फाउंडेशन इंडिया में किसने रखा? तो ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स है, मोहम्मद ऑफ गौर ने या मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी कैप्चर्ड पंजाब बाय किलिंग खुसरो मलिक इन 1192। किसको हरा के रखा बेटा खुसरो? कैसे लिखेंगे इसको? खुसरो मलिक ने। ठीक है, कब? 1192 में। 1192, अरे 1192। ठीक है, देन डैश रूल द टेरिटरी बिटवीन डैश एंड डैश पुट द हाफ ऑफ मोहम्मद गौरी एक्सपांशन। हॉल्ट है बेटा, ये हाफ नहीं है, हॉल्ट टू मोहम्मद गौरी एक्सपांशन। ठीक है, तो बेटा वो कौन थे? हमने चैप्टर में पढ़ा हमारे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इनका रूल कहाँ से कहाँ तक था बेटा? तो इनका रूल दिल्ली से आगरा के बीच में था। ठीक है, दिल्ली टू आगरा ये रूल करते थे। इन्होंने हॉल्ट लगाया किस पे? मोहम्मद गौरी, रोक लगा दी। सी यू इन द रिमेनिंग दिस वीडियो हियर। ओनली इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम डू राइट इन कमेंट सेक्शन।